Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. आज हम बनाने वाला है आलू गोभी के सब्जी। ये गोभी के काट के धो लिए हैं और आलू के भी काट के धो लिए हैं। अब इसके लिए हम ले लिए हैं कटी हुई बारीक प्याज और कटी हुई टमाटर और लहसुन छील लिए हैं। अदरक भी छील के काट के रखे हैं और काला मिर्च है, जीरा है, इसको हम सिलबट्टा पे पीसेंगे। अब इसको हम सिलबट्टा पे पीसने वाला है। लहसुन अदरक के पेस्ट तैयार है। अब सरसों के तेल डाल रहे हैं इसमें। अब सरसों के तेल के थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आलू और गोभी। आलू गोभी के फ्राई करके निकाल लेंगे पहले। उसकी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये लाल हो गया है और इसको हम निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे सरसों तेल। इसमें डालेंगे जीरा। थोड़ा डालेंगे हींग। मिलाएंगे। इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। हल्का ब्राउन तक भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर। इसमें डालेंगे नमक। इसमें डालेंगे पिसा हुआ पेस्ट। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर इसमें डालें। हल्दी पाउडर, डाले गरम मसाला, डाले लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे।
इसमें हल्का डालेंगे गरम पानी। अब इसमें डालेंगे भुनी हुई सब्जी। अब अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं। इसको उभार लेते हैं। इसको सब्जी को चलाएंगे अच्छी तरह से। गरम पानी करके रखे हैं, देखो हम गर्म ही पानी डालेंगे। को ढक देते पकने के लिए। अब हमारा आलू गोभी के सब्जी तैयार है। अब देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारा सब्जी बनके तैयार है।